तो मुझे क्या चाहती हो? अगर हॉरर मूवीज की बात करी जाए तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि उनको हॉरर मूवीज से डर नहीं लगता। पर गाइस, आज मैं आपको हॉलीवुड की 10 ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनको देखने के बाद आप रात को अकेले में सोने से भी डरने लगेंगे। इस लिस्ट में कुछ हॉरर मूवीज तो ऐसी भी हैं जो बिना किसी भूत के आपका खून सुखा देंगी। नंबर 10 पे 2009 की फॉरगेट मी नॉट एक ऐसी मूवी है जिसमें एक लड़की की आत्मा अचानक से कुछ दोस्तों की जान के पीछे पड़ जाती है और एक के बाद एक सबको जान से मारने लगती है। अब ये आत्मा ऐसा क्यों करती है वो इस मूवी में बताया गया एक ऐसा डरावना सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नंबर 9 पर है 2015 की क्रिम्सन पीक। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने पिता की इच्छा के अगेंस्ट जाकर एक बहुत ही रॉयल फैमिली के लड़के से शादी कर लेती है और उसके साथ उसके पैलेस में रहने लगती है। पर कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की को महसूस होता है कि जिस पैलेस में वो रह रही है उसमें इंसान कम भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं। नंबर 8 स्पॉट पर है 2018 में रिलीज हुई द नन। इस मूवी में आपको एक मिस्टीरियस पेंटिंग के भयानक सच के बारे में पता चलेगा। गाइज, मैं उसी नन वाली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ जिसको शायद आपने द कॉन्ज्यूरिंग सीरीज में बहुत बार देखा होगा। हेलो। नंबर 7 पर है 2009 की हॉरर थ्रिलर मूवी ऑर्फन। एक सिंपल सा मैरिड कपल एक बच्ची को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करते हैं ये सोचकर कि उस बच्ची के आने से इनकी लाइफ में एक बच्चे की कमी दूर हो जाएगी। पर इस बच्ची को अडॉप्ट करने के बाद इस मैरिड कपल के साथ कुछ ऐसा भयानक होता है जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। नंबर 6 पर है 2016 की डोंट ब्रीथ। अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए ये मूवी बनी है एक ऐसे अंधे इंसान के ऊपर जो किसी राक्षस से कम नहीं है और एक दिन इसके घर पर गलती से कुछ लोग जाकर इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि अगर इन लोगों ने सांस लेने की भी कोशिश करी तो इनको बदले में मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक भयानक मौत। नंबर 5 पर है 2020 की द इनविजिबल मैन। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है पर हेड्स ऑफ है इसकी सिनेमेटोग्राफी और साउंड को जो आपके होश उड़ा देगा। ऐसी बहुत कम हॉरर फिल्म होती है जिसमें आपको साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस, साइकोलॉजिकल थ्रिल सब कुछ एक साथ देखने को मिले, पर इस मूवी में आपको इन सब का सटल फ्लेवर एक साथ मिलेगा। नंबर 4 पर ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद आप शायद रियल में भूत और आत्मा जैसी चीजों में भरोसा करना शुरू कर देंगे। 1982 में रिलीज हुई एंटिटी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके पीछे एक ऐसा भूत पड़ जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स का भूखा होता है और इस औरत की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। नंबर 3 की मूवी है 2017 की जेराल्ड्स गेम। इस मूवी में इतना दम है कि बिना किसी भूत के या आपके दिमाग के साथ कुछ इस तरह खेलेगी कि आप इस मूवी के हर एक सीन में डर महसूस करेंगे। स्टोरी बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी आपको डर का एक नया एक्सपीरियंस देगी। नंबर 2 स्पॉट पर है 2002 की हॉरर थ्रिलर द रिंग। अगर हॉलीवुड मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्टोरी की बात करी जाए तो द रिंग की पूरी सीरीज आपको एक परफेक्ट हॉरर स्टोरी का पूरा मजा देगी। पार्ट 1 में नॉमी वॉट्स की सुपर्ब एक्टिंग आपको इस मूवी का एडिक्ट बना देगी। जिसने भी उसकी कहानी देखी, 7 दिन बाद उसकी मौत थी पक्की। इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी है 2013 की द कॉन्ज्यूरिंग। अगर आप एक ऐसी हॉरर मूवी देखना चाहते हैं जिसमें क्लासिक हॉरर स्टोरी को बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ दिखाया हो तो द कॉन्ज्यूरिंग से ज्यादा हॉरर एलिमेंट आपको किसी दूसरी मूवी में शायद ही देखने को मिलेगा। मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसमें एक इविल स्पिरिट एक फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। अब एक बोनस मूवी 2003 की फ्रेंच हॉरर मूवी हाई टेंशन एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ना तो भटकती आत्माएं दिखेंगी और ना ही कोई भूतिया हवेली, बस अगर कुछ महसूस होगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ डर। गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। बेस्ट चांसेस हैं आप इसको किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर देख सकते हैं।
सो गाइस, आप अपनी फेवरेट मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।